से मैं कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का भी बनाऊंगा और इसी तरीके से हमारे बाद में फैकल्टीज जो है वो ऑलरेडी डाल रखे हैं ओल्ड सिलेबस वर्सेज न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस है ठीक है मैं एक काम करूंगा आ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके लिंक्स भी दे दूंगा चलो

जैसे वहां कंपनीज एक्ट और आईबीसी कितना का था सिक्सटी मार्क्स यहाँ बीसी करके कितना है फिफ्टी मार्क्स लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से ओल्ड सिलेबस में पंद्रह परसेंट वो अब न्यू सिलेबस में दस परसेंट गया तो जैसा कि आप जानते हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर ओल्ड सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से पंद्रह मार्क्स का पंद्रह परसेंट का था नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू टेन परसेंट राइट तो कंपनीज एक्ट फिफ्टी के जगह न्यू में कितना हो गया फोर्टी परसेंट आईबीसी अभी भी टेन परसेंट है टेन परसेंट इन द न्यू सिलेबस राइट सर अब कंपनीज एक्ट के अंदर कोई चेंजेस बिल्कुल चेंजेस आप देख सकते हैं तो सिलेबस मार्क्स रिड्यूस भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ जी 2013 का भी जो है वो थोड़ा हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा क्या रिड्यूस हुआ है आईबीसी पूरा सेम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पूरा सेम है आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा का पूरा सेम है आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेम है लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या रिडक्शन हुआ देखो कंपनीज एक्ट के अंदर का अगर हम लोग कंटेंट चेक करें अंदर का कंटेंट कंपनी फॉर्मेशन ओल्ड में भी है न्यू में भी है इन्वेस्टमेंट लोन ओल्ड में भी है न्यू में भी है डिविडेंट अकाउंट्स ऑडिट बीओडी मैनेजरियल पर्सन ये सब ओल्ड और सिलेबस में सब कॉमन है बोर्ड मीटिंग

ये देखो न्यू के अंदर न्यू के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों ये सब बताया कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन ओल्ड न्यू दोनों में था इन्वेस्टमेंट लोन डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट बीओडी केएमपी बोर्ड मीटिंग इंस्पेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ये ओल्ड न्यू में कॉमन चैप्टर्स थे ओल्ड न्यू में कॉमन चैप्टर्स थे राइट मैं इसका समरी भी बना रखा हूँ लास्ट में दिखाऊंगा तो फिर ओल्ड से जो न्यू में हम लोग जा रहे हैं उसमें क्या डिलीट हुआ है कंपनी एक्ट में कंपनी तो ओल्ड में भी नहीं था प्लीज आप

कंपटीशन एक्ट पूरा सेम है फेमा पूरा सेम है बैंकिंग इंश्योरेंस पूरा सेम है तो कंपटीशन एक्ट फेमा बैंकिंग इंश्योरेंस पूरा सेम है ओल्ड और न्यू सिलेबस के अंदर ये देखिए आ जाइए आ जाइए ये देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी बात कर लिया आईबीसी कॉर्पोरेट गवर्न से अब आ जाइए इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर सेबी के अंदर ओल्ड सिलेबस में याद है ओल्ड सिलेबस में ओल्ड सिलेबस के अंदर बेटा ओल्ड सिलेबस के अंदर सेबी के अंदर सेबी एक्ट और सिकरा था वो न्यू सिलेबस में सेबी एक्ट और सिकरा नहीं पढ़ना है आईसीडीआर तो पढ़ना है आईपीओ वगैरह के बारे में न्यू सिलेबस में दो एडिशनल टॉपिक आए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेकओवर कोड तो ऐसे याद कर लो ना ओल्ड सिलेबस में सेबी से दो टॉपिक डिलीट हुआ ओल्ड सिलेबस का सेबी का दो टॉपिक डिलीट कौन सा हुआ न्यू सिलेबस के अंदर जो ओल्ड में था वो न्यू में नहीं है दो डिलीट हो गया सेबी एक्ट एंड सिकरा तो उसके जगह आ गए न्यू में इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेकओवर कोड ठीक है पहले भी था कम्पिटिशन पहले भी था पूरा सेम है बैंकिंग इंश्योरेंस पहले भी था इन्होंने वेटेज दिया पता है क्या बैंकिंग और इंश्योरेंस मिलाकर आएगा पाप रे, पाप ठीक है एमएसएमई अब न्यू के अंदर दो नए चैप्टर छोटे छोटे ऐड हुए एक है एमएसएमई सेक्टर ठीक है एमएसएमई सेक्टर और एक है साइबर सिक्योरिटी ये दो नए चैप्टर ऐड हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी पहले भी था और न्यू में पहले भी था ठीक है तो एमएसएमई और साइबर लॉ ठीक है ये दो जो चैप्टर एमएसएमई एंड साइबर लॉ ये न्यू में ऐड हुए हैं मैं तो ओल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी पढ़ाता था और वो न्यू में भी है यानी अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी का मैं बात करूं आपके साथ तो ये रहा जिन लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट ले रखे हैं मैं उनको दिखा देता हूँ जो इनरोलमेंट लेने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट मार्च 2023 से फर्स्ट मार्च 2023 से ये मैच ये जो बैच है फर्स्ट मार्च 2023 से चालू होगा डेली क्लासेस देंगे मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग क्लास रहेगा और ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे फिफ्टी या ट्वेंटी में तक तो जिनका जून 23 में एग्जाम है दिसंबर 23 में एग्जाम है या 2024 जून दिसंबर ये सबके लिए बैच एलेंट है अमेंडमेंट ज्यादा आते नहीं है जो भी आएंगे अमेंडमेंट मुश्किल से 45 फाइव मिनट से लेकर के एक घंटा का अमेंडमेंट आता है वो यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर दिया जाता है तो दो में भी जिनका एग्जाम है वो बैच ले सकते हैं राइट आराम से आप जो है अभी आग लेंगे तो लाइव कर सकेंगे मेरे साथ मैं ऐसा नहीं है कि हर छह महीना में आपके लिए फाइनल का लाइव बैच रिकॉर्ड करता हूँ नहीं ये जो मैं फाइनल का लाइव बैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 2024 तक ये बच्चे जो है आराम से इसको देख सके अब मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार है ये रहा मॉरल ऑफ द स्टोरी दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस ये देखिए जो ऑलरेडी हमारे यहां पर इनोलमेंट ले रखे और जिनको ऑलरेडी गूगल ड्राइव क्लासेस गया है वो गूगल ड्राइव क्लासेस जो मैंने बैच शूट किया था वो तो ओल्ड सिलेबस के लिए कंप्लीटली था तो अगर आपका ओल्ड सिलेबस है

लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको न्यू सिलेबस अगर आपका है तो क्या क्या आपको अलग से करना पड़ेगा मैं ही दूंगा भाई टेंशन ना लो ठीक है ये चार टॉपिक आपको न्यू सिलेबस में एडिशन है अलग से करना पड़ेगा सेबी कोड ट्रेडिंग रेगुलेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का रेगुलेशन एंड साइबर लॉ राइट दीज फोर टॉपिक्स ये आपको अलग से करना पड़ेगा सर कारो भी है ये कारो आपके ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों में है आपके ड्राइव पर क्लासेस जा चुका है तो न्यू सिलेबस

फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ड्राइव पर मिल जाएगा सर आपका तो नया बैच फर्स्ट मार्च से चालू हो रहा है वो तो नए स्टूडेंट लोग के लिए चालू हो रहा है जो ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं और जिनका से फॉर एग्जाम्पल एक्सेस खत्म हो गया था वैलिडिटी खत्म हो गया था कोई टेंशन नहीं है ये चार चैप्टर हम लोग आपको फ्री में पहुंचाएंगे ये हमारा जिम्मेदारी है और जिनका वैलिडिटी अभी भी है और वो अगर लाइव बैच करना चाहते हैं तो आराम से अगर वैलिडिटी है तो आप लाइव कर ही सकते हो उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है भी नहीं और जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो फटाफट एडमिशन ले लो आपका पूरा जिम्मेदारी हमारा है जैसा कि आपको पता है डिलीशन इन न्यू न्यू सिलेबस। सिलेबस खुशखबरी वाले बच्चों। कंपनी लॉ में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो आपको जो हमने ड्राइव पर भेजे हैं उसका फिफ्टी ठीक है क्लास नंबर फोर्टी एट से लेकर के फिफ्टी ठीक है क्लास फोर्टी एट से लेकर ले आपको नहीं करना है सर कर लिए हैं तो तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता आप प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट हैं फाइनल के बच्चे हैं आप तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में तो काम आएगा क्लास 53 से 56 नहीं करना है एंड 61 से 66 नहीं करना है तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्लास आपका डिलीट हो गया इकोनॉमिक लॉ के अंदर क्योंकि सेबी और सिकरा हट गया है तरफाशी एक्ट हट गया है तो क्लास टेन से सेवेंटीन नहीं करना है एंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नहीं करना है इकोनॉमिक लॉ के अंदर तो कुछ क्लासेस आपके डिलीट हुए हैं और उसके जगह आपको नए चार चैप्टर पढ़ने हैं

Class, approximately class, new का. ये आपको फ्री में पहुंचाया जाएगा आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आप न्यू सिलेबस का हमारे पर ले आपका एक्सेस भी खत्म हो रहा तो है, तो, है तो भी आपको जिम्मेदारी है तो भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये सारे क्लासेज मिल जा रहे हैं और हम लोग तो नया बैच चालू कर रहे हैं कब से फर्स्ट मार्च से डेली क्लासेज रहेंगे लाइव बैच रहेगा जून 23 के लिए वैलिड है दिसंबर 23 एंड 2024 वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव टेक केयर बाय बाय इसी तरीके से मैं जो और एक सब्जेक्ट पढ़ा तो कॉस्ट मैनेजमेंट और इट उसका भी एनालिसिस बहुत जल्द डाल दूँ चलो चेयर्स इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके मेरे से पूछिए राइट टेक केयर